नमस्कार साथियों, मैं रीता सिंह चंबल प्रभा न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में आ रहे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। गहलोत ने वायदा पूरा किया। सहकारी बैंकों के सभी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ। जयपुर चुनावी जनसभा में किए गए कांग्रेस के वादे को सरकार ने पूरा करने की घोषणा कर दी है। सरकार बनने के तीसरे दिन ही अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऋण माफी का ऐलान कर दिया है। गहलोत सरकार ने अपना वादा निभाते हुए 30 नवंबर 2018 तक के शेड्यूल वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने वाले डिफॉल्टर किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ कर दिए हैं। साथ ही सहकारिता बैंकों के तमाम कर्ज को माफ करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। मीडिया के सामने इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा कि इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान भी किसान कर्ज माफी करने वाला राज्य बन गया है। सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव निरंजन आर, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार और रजिस्ट्रार नीरज के पवन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ी घोषणा की। ये मुख्य बातें जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा में कही। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अभी मैंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, वित्त व कोऑपरेटिव अधिकारियों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने जो वादा किया था कि सरकार बनी तो 10 दिन में ऋण माफ करने का वादा, वो हमने निभाया। मैंने आज ही आदेश निकाले कि तमाम जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन हैं वे होंगे माफ। पिछली सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, सिर्फ 2000 करोड़ पैसा दिया है जबकि 8000 करोड़ का भार आने वाला था। ऐसे में 6000 करोड़ का भार हमारे ऊपर आया है। हमने फैसला लिया है कि हम सहकारी बैंकों के समस्त ऋण माफ करेंगे। साथ ही नेशनल, ग्रामीण या अन्य बैंक, उनमें जो किसानों का ऋण है जिनकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनमें पात्र किसानों को और जो डिफॉल्टर हैं उनके लिए 2 लाख तक का कर्जा माफ किया है। गहलोत ने कहा कि कमर्शियल बैंकों का भी होगा कर्जा माफ। 30 नवंबर 2018 तक जो होंगे डिफॉल्ट, उन तमाम किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का सभी तरह का शॉर्ट टर्म कर्जा होगा माफ। तब भी हमने तमाम तय किया कि बचाएंगे, कि बचाए समस्त लोन माफ करेंगे। कोऑपरेटिव जितने भी हमारे ऋणी हैं